एक मित्र ने लिखा है, अक्सर किसी परेशानी में, किसी दुविधा में या फिर किसी चुनाव न कर पाने की स्थिति में हमने आपसे समाधान के लिए बात की है और आपने उस समय कोई जवाब या फिर हल नहीं दिया। कभी तो आपने अनमने मन से सुना जैसे हम बेकार ही बोल रहे हों, कभी आपने बस सुना और कभी आपने सुनकर अलग अलग पहलू भी रखे पर कोई साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अधिक से अधिक ये कह दिया कि जो भीतर से आ रहा हो वो करें। सारी बात लौटकर खुद पर ही आ जाती है। ये कैसी बात है, अगर भीतर से आएगा तो भला हम पूछेंगे ही क्यों कर। पहले इससे हम परेशान होते थे कि बात करने से क्या फ़ायदा, कोई सलूशन तो मिला ही नहीं। कुछ समय बाद हमने जाना कि हर बार बात करने के पश्चात हम शांत हो जाते हैं और उस शांति में तीन बातें घटती हैं। या तो उससे समस्या से निपटने की शक्ति मिलती है, या उस शांति से कोई हल उभरता है, या फिर समस्या ही पूरी तरह से विलीन हो जाती है क्योंकि शायद वो काल्पनिक थी। ऐसा लगता है कि शांति ही सारी परेशानी का समाधान है और आपसे बात करने से शांति उभरती है, इसमें संदेह नहीं। तो उत्तर न मिलने पर भी बात करने की विशेष सार्थकता नजर आती है। कृपया इस सार्थकता पर कुछ कहने की कृपा करें। ये प्रश्न शायद बहुत सारे लोगों के मन में जरूर रहा होगा और जो बात अंत में समझ में आई वही महत्वपूर्ण है। शांति ही हर समस्या का समाधान है। तुम जब मेरे पास आते हो, अपनी कोई बात रखते हो, तो निश्चित ही तुम्हारे पास समाधान की आकांक्षा होती है। कई बार ये बड़ा आसान भी होता है कि तुम्हें कोई सस्ता समाधान बता दिया जाए। ज़्यादातर लोग यही करते हैं, तुमको समाधान पकड़ा देते हैं। कई बार तो समाधान देने की लोगों को ऐसी लत लग जाती है, वो भी एक एडिक्शन है, कि तुम समस्या ना भी रखो तब भी वो तुमको समाधान दे देंगे। समाधान उनके पास इतने ज़्यादा हैं, उनके पास हल इतने ज़्यादा हैं कि वो दिए बिना नहीं मानेंगे। लेकिन उन समाधानों से या उन हलों से तुम्हारे जीवन पर कोई अंतर तो नहीं पड़ता। जो दे रहा होता है समाधान, उसके अंदर ही कोई अंतर नहीं पड़ा तो तुम्हारे अंदर क्या पड़ेगा। कई बार मेरे पास लोग आते हैं, कभी अपनी सांसारिक समस्या, कभी अपनी आध्यात्मिक समस्या, अपनी आंतरिक खोज की गुत्थियाँ, वो उन सब की सिलसिलेवार बात करते हैं। और मेरा कोई सेट फॉर्मेट नहीं है, चीज़ें उतनी ही प्राकृतिक हैं जितनी प्राकृतिक हो सकती हैं, प्रकृति जैसी। जब आप निसर्ग के पास हैं, प्रकृति के पास हैं, तो आप अपनी अपेक्षाएं आरोपित नहीं कर सकते। एक गुरु वो घटना है जो नैसर्गिक हो गई है, प्रकृति से अट्यून्ड, लयबद्ध। इसलिए जो समाधान या उत्तर उभरता है वो उस क्षण की समग्रता पर, टोटलिटी पर निर्भर करता है। इसलिए प्रश्न में सारी बातें सिलसिलेवार मित्र ने लिखी हैं कि जरूरी नहीं कि उत्तर दिया ही जाए, और ऐसा भी जरूरी नहीं कि उत्तर ना ही दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि उस परिस्थिति की मांग क्या है
ये तो वो परिस्थिति ही जानती। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो होती है वो तुम्हारे अंदर अंतर्मन में शांति का उभरना, क्योंकि जिस मन ने तुम्हारे समस्या पैदा की है वही मन समाधान प्राप्त नहीं कर सकता। कहने को तो सारे समाधान तुम्हारे सामने पहले से ही हैं, लेकिन वो काम कहाँ आते हैं? सांसारिक अर्थों में देखा जाए तो जितनी समझ होनी चाहिए वो आमतौर से सभी के पास है, फिर भी वक्त वक्त पर उसकी जरूरत पड़ती है। आध्यात्मिक धरातल पर देखा जाए तो कोई भी नई बात नहीं कही जा सकती, सारी बातें पहले सारे सद्गुरु कह चुके हैं, अंतहीन है वो, कहीं जाकर रुकता नहीं कि कब पहले। इसीलिए कृष्ण जब अर्जुन से बात करते हैं तो एक जगह वो उससे कहते हैं कि मैंने पहले भी ऐसा कहा था, उससे पहले तब भी मैंने ऐसा कहा था, बहुत पीछे तक वो ले जाते हैं। मैंने का अर्थ रियलाइज्ड बीइंग, जो जागा है उसने, वो अंतहीन है, लेकिन फिर भी उत्तर ताजा और अलाइव ही काम आता है। उत्तर या समाधान वही काम आता है जो बिल्कुल जीवंत हो तुम्हारे सामने, नहीं तो कोई खोज पर नहीं जाए, क्योंकि सब कुछ तो पहले से ही पता है, कोई नई चीज़ क्या जानोगे। लेकिन फिर भी लोग खोज पर जाते हैं, टटोलते हैं, अपनी समस्याओं को अनुभव करते हैं। तो करीब करीब ऐसी ही घटना यहाँ पर भी घटती है, जब तुम अपनी बातें रखते हो, पहली चीज जिसके लिए तुम आश्वस्त हो सकते हो कि तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम है, और वो प्रेम ऐसा है कि तुम्हारी परिभाषा की मांग नहीं करता, कि तुम उसको कैसे देखते हो या नहीं देखते हो इससे उसका कोई सरोकार नहीं। क्योंकि कई बार कई लोगों को ये भी लगता है कि प्रेम नहीं है, क्योंकि प्रेम को देखने का तुम्हारा एक ढांचा और ढंग है। प्रेम से मेरा अर्थ होता है तुम्हारे साथ एकात्मकता, तुम्हारे साथ एक लयबद्धता, यानी कि तुम दूसरे नहीं हो। जिसको ये नोइंग है, जो ये जानता है कि दूसरा कहीं नहीं है, सब एक ही एक्सटेंशन है, तो वो प्रेमपूर्ण होगा ही। आम तौर से प्रेम को हम भावुकता से देखते हैं, भावुकता से देखने के कारण हम प्रेम को कभी अनुभव नहीं कर पाते। अब जैसे हम अपने शरीर के प्रेम में हैं, चाहे ना चाहे हम शरीर के प्रेम में हैं, तो अंगूठे से लेकर सिर तक हर चीज को लेकर हम कंसर्न्ड, चाहे दिखाई देता हो चाहे ना दिखाई देता हो, कहीं भी चोट लगे, कहीं भी समस्या हो, हम उसका निदान करेंगे। और कई बार जो निदान हम चेतन रूप से करेंगे उससे कहीं ज़्यादा वो प्राकृतिक रूप से होगा। जरा सा कहीं चोट लगेगी अंदर से, जो समाधान मिलना चाहिए वो मिल जाएगा, जो उन कीटाणुओं से लड़ने की क्षमताएं, जो रसायन, जो कुछ भी होना चाहिए सब कुछ होगा। तो इसी को कहेंगे प्रेम की घटना, कंसर्न, केयर, और एक यूनिफाइड एक्टिविटी, एक घटना। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती। अगर शरीर को भी कोई ऑब्जर्व करेगा तो एक सेल दूसरी सेल, यानी एक कोशिका दूसरी कोशिका से प्रेमालाप करती हुई नहीं दिखाई देंगी, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के प्रेम में, क्योंकि एक दूसरे के जीवन के प्रति उनका सरोकार है। और एक सद्गुरु होता ही तब है जब उसका तुम्हारे होने से सरोकार है।
तुम्हारी स्थिति से उसके ऊपर असर पड़ता है, पड़ा हुआ है, इसलिए वो तुम्हारे साथ शेयर करना चुनता है। शेयर करने की दो स्थितियां हैं, एक स्थितियां हैं कोई व्यक्ति इतना भर गया है समाधानों के कूड़ा कबाड़ से कि उसको बांटना है, चाहे लेने वाला कोई हो या ना हो, दो चार पैकेट हर घर में फेंक देने। बहुत सारे लोग इसी अभियान में रहते हैं क्योंकि इतना उन्होंने अपने अंदर भर लिया है कबाड़ समाधानों का कि वो तुमको दो चार पैकेट तो पकड़ा के ही मानेंगे। सद्गुरु तुमको कुछ पकड़ाने की कोशिश नहीं करता, उसका अर्थ तो समाधान में ही है, उसका जो अभिप्राय है या उसकी मनसा है वो समाधान की ही है। तो जब तुम अपनी बात कहते हो और उस बात को पूरी सजगता से सुन लिया जाता है तो कई बार वो सुन लेना भी पर्याप्त होता है। जैसा लिखा है, कई बार लगता है कि अनमने ढंग से सुना गया, नहीं सुना गया, ध्यान दे के सुना गया, कभी ये सब हमारी इंटरप्रिटेशन होती है। क्योंकि जब हम समस्या में होते हैं तब हमको लगता है हमारे ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, लेकिन कई बार तुम्हारे ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाना ही तुम्हारी समस्या होती है और तुमको ये नहीं पता होता। तो उस क्षण अगर कोई होश पूर्वक तुमको थोड़ा सा सामान्य करता है तो उससे बाय प्रोडक्ट के रूप में इनडायरेक्टली समाधान घट जाता है। और 95% समस्याएं मनुष्य के जीवन में जो हैं, मैंने देखा है, वो इसी बात की हैं कि वो अपने ऊपर ध्यान दिया जाना चाहता है कि लोग उसके ऊपर ध्यान दें। अटेंशन डेफिशिएंसी सिंड्रोम, उससे ही ज़्यादातर लोग पीड़ित हैं। समस्याएं मानसिक शारीरिक सब उसी से पैदा हो जाती। तो कई बार तुम्हारे ऊपर ज़्यादा ध्यान न दिया जाना भी समस्या का समाधान होता है, लेकिन ध्यान न दिए जाने में उपेक्षा नहीं होती। आंतरिक तल पर तुम जानते हो कि ये उपेक्षा नहीं है, क्योंकि वो कनेक्टिविटी भी तुम्हारा हृदय अनुभव करता है। तो दो काम होते हैं, जो बाहरी विक्षिप्तता होती है अटेंशन सीकिंग ध्यान की वो गिरती है और अंदर से जो वास्तविक जोड़ है वो उभरता है, तुम्हारे अंदर एक स्वास्थ्य आता है। तुम्हारा वो मन जो अभी हलचल में था, जब वो शांत होता है तो समाधान तुमको अपने आप दिख जाता है। और जैसा कि लिखा है, कई बार जब तुम शांत होते हो तो तुमको लगता है समस्या ही व्यर्थ थी। किसी भी स्थिति में तुम्हारे लिए ये श्रेयस्कर है। जब तुम बहुत उलझन में हो तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होता है कि तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो, और अगर इस विधि या प्रक्रिया को तुम स्वयं भी कर पाओ तो भी उसके लाभ होंगे। जब तुम्हें बहुत उत्तर की तलाश हो, तुम बहुत दुविधा में हो, तो आधा घंटा मौन होकर बैठ जाओ, कुछ मत करो, उत्तर मत तलाशो, बस शांत मौन बैठ जाओ, फिर तुम्हारे मौन से ही उत्तर शायद उभर आए। एक बुद्धा फील्ड में मौन बड़े स्वाभाविक ढंग से घट जाता है, तुम्हें उसके प्रयास भी नहीं करने पड़ते। इसलिए उस बुद्ध क्षेत्र की अपनी ही ऊर्जा तुम्हारे लिए लाभकारी बन जाती है, लेकिन तुम्हारा अपना मौन ही उसमें बड़ा कारगर है। भारतीय मनीषी और भारतीय दर्शन में इसको एक अलग उदाहरण से वो बहुत लंबे समय से समझाते रहे हैं कि अंधेरे में अगर किसी व्यक्ति को रस्सी सांप नजर आ जाए तो उसको समझा कर आप शांत नहीं कर सकते, क्योंकि वो डर गया है। उस समय उसके अंदर सब भय के रसायन दौड़ गए हैं, सारे केमिकल्स दौड़ गए। तुम उसको पकड़ पकड़ कर समझाओगे कि नहीं नहीं ये रस्सी है, सांप नहीं है, वो तो उस समय भय की विक्षिप्तता में हो गया है। तो बेहतर ही होगा कि उसको थोड़ा शांत होने दो और रोशनी बढ़ाओ,
जब रोशनी बढ़ेगी और वो शांत होगा तो उसको साफ साफ दिखाई दे जाएगा और वो अपनी भय की स्थिति पर हंस सकता है, लेकिन उस क्षण नहीं। उस क्षण तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं हो गए क्योंकि भय ने पकड़ लिया है। हमारी बहुत सारी समस्याएं ऐसी ही हैं क्योंकि उस क्षण उन्होंने हमको पजेस कर लिया है, उस क्षण उन्होंने हमको पूरी तरह से ग्रस्त कर लिया और हमको बहुत बड़ी नजर आ रही। लेकिन थोड़ी देर अगर ठहरा जाए तो वो स्पष्ट होकर विलीन भी हो सकती। इस संदर्भ में मैंने जॉर्ज गुरजेफ का उदाहरण अनेकों बार दिया है और मुझे बहुत पसंद है। कहते हैं गुरजेफ के पिता ने अपने अंतिम वक्त गुरजेफ को बस एक सलाह दी। उन्होंने कहा कि तुम्हें देने के लिए मेरे पास बहुत कुछ संपत्ति तो नहीं है, लेकिन अनुभव के तौर पर मैंने जो जाना है उसका निचोड़, उसका सार तुमको मैं देना चाहता हूँ। गुरजेफ कहते उस समय मैं बहुत छोटा था, उनकी बात पता नहीं कितनी समझ पाया या नहीं। उन्होंने कहा कि बस कोई भी बात हो 24 घंटे बाद प्रतिक्रिया करना। और उसने कहा कि मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता था तो मैंने उनकी बात को एक संकल्प की तरह अपने अंदर डाल लिया, और कुछ भी हो, कोई अच्छा कह दे, बुरा कह दे, कोई परिस्थिति अच्छी हो जाए, खराब हो जाए, और वो अपने अंदर यही बात दोहराता था कि मैं 24 घंटे बाद निर्णय करूँगा कि अच्छा है या बुरा है, या सही है या गलत है। और गुरजेफ जब इनलाइटेंड हुए, संबुद्ध हुए, उसके बाद वो कहते हैं कि ये इतनी कारगर और अचूक प्रक्रिया थी कि अनेक बार तो समस्या रहती ही नहीं थी 24 घंटे बाद, 24 घंटे में समस्या ही खत्म हो जाती थी और कई बार 24 घंटे में उसका समाधान भी मेरे सामने आ जाता था। 24 घंटे के लिए उसको स्टिल कर दिया। मेरा कहना है कि तुम 24 मिनट के लिए भी स्टिल कर दो, यानी कि कुछ क्षण के लिए भी, तो भी काम बन जाएगा। लेकिन हम तुरंत प्रतिक्रिया करते हैं, हमारा मन ऐसा ही है। और आजकल के कनेक्टिविटी के वक्त में तो हम बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा करते हैं। किसी से झगड़ा हुआ, तुरंत SMS, उधर से तुरंत SMS, कई बार तो डाइवोर्स होने तक हालतें पहुंच जाती हैं लोगों के झगड़े में, क्योंकि तुरंत चटपट प्रतिक्रिया हो गई। बाद में लोग सोचते हैं जितनी जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं थी, बात तो बेकार ही थी। अगर तुम थोड़ा सा रुक सको तो बहुत सारी बातें तो ऐसे ही खो जाएंगी, उनका कोई मतलब नहीं। और जब तुम शांत हो जाओगे तब तुम अपने सोर्स से, अपने स्रोत से कनेक्टेड होगे, और वहाँ से जो डीपर सल्यूशन हैं, गहरे समाधान हैं, वो तुमको उपलब्ध हो जाएंगे। तो इसलिए मैं तुम्हें कोई रेडीमेड समाधान नहीं देता, वो उस समय की तात्कालिक प्रतिक्रिया है, जो होगा उसी समय होगा। कई बार तुम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि क्या होगा। उस कनेक्टिविटी के कारण ही मित्र जितने भी हैं वो आते हैं, और करीब करीब सभी का ये अनुभव है। वो कहते हैं कि बस मैं घर पे यही सोच रहा था और मैं बैठा, आपने वही बात बोल दी, आपने वही जवाब दिया। तो कई लोगों को लगता है कि क्या विचार पढ़ते हैं, मैं क्यों तुम्हारे विचार पढ़ूंगा। मैं ठीक से अखबार भी नहीं पढ़ता, तुम्हारे विचार क्यों पढ़ूंगा, मैं बहुत उपद्रव है। लेकिन तुम्हारे साथ जो एक अंतर संबंध है उसके कारण जो तुम्हें जरूरी सुनना होता है उसकी बस एक प्रतिक्रिया होती है, वो रिस्पॉन्स होता है। इसलिए मुझे भी नहीं पता होता कि अगला वाक्य मैं क्या बोलूँगा। जब मैं तुमसे बोलने के लिए तैयार होता हूँ
मुझे बिल्कुल नहीं पता होता कि अगला वाक्य मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि उतनी देर में ऊर्जाएँ बदल रही हैं, तुम्हारे अंतर्मन बदल रहे हैं, तुम्हारे समस्या समाधान सब कुछ बदल रहे हैं, तो उसकी प्रतिक्रिया अलग होगी और तुम्हारे लिए वही काम की होगी।